हेलो फ्रेंड्स uh, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंड्स इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे बैंक क्लर्क एग्जाम्स के लिए कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये क्वेश्चन सभी बैंकिंग एग्जाम्स में जैसे ए बी क्लर्क और एस uh, क्लर्क और बैंक पी एग्जाम प्री में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो ये सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में डिस्कस करेंगे ये प्रैक्टिस सेट वन है और इसके बाद आगे के प्रैक्टिस सेट के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चन से देखिए ये फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन है फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है एक सेंटेंस दिया है यहाँ पर और एक पर्टिकुलर पार्ट part इसका बोल्ड में दिया गया है ठीक है तो इस पर्टिकुलर पार्ट part को आपको रिप्लेस करना है करेक्ट वर्जन से इसका जो करेक्ट वर्जन है उसे इसको रिप्लेस करना है यदि ये पार्ट ऑलरेडी करेक्ट है ये पार्ट तो आपका जो आंसर होगा वो होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड क्योंकि सेंटेंस या पार्ट पहले से ही करेक्ट है ठीक है तो इसको हम फ्रेज रिप्लेसमेंट भी बोल सकते हैं और इसको हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी बोल सकते हैं तो यहां से सेंटेंस में पढ़ता हूं और फिर मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है देखिए एग्जामिनर जो आपको जो ऑप्शन देगा यहां पर नीचे कुछ ऑप्शन इसमें से ग्रामेटिकली रॉन्ग होंगे और कुछ ऑप्शन इसमें से सिंटेक्स वाइज रॉन्ग होंगे सिंटेक्स मतलब जैसे ग्रामर में एक वर्ड ऑर्डर होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी ठीक है फिर उसके बाद जैसे हैज़ है जैसे तो थर्ड फॉर्म आएगी जैसे यहाँ पर कंसीडरिंग ही हैज़ प्लेड इसकी जगह अगर मैं लिख दूँ कंसीडरिंग हैज़ ही प्लेड तो इस इस पर्टिकुलर पार्ट part का जो सिंटेक्स है जो ग्रामर का एक करेक्ट वर्ड ऑर्डर है वो खराब हो जाएगा ठीक है तो फ्रेज़ रिप्लेसमेंट में आपको ध्यान रखना है कि ग्रामेटिकली ये पार्ट करेक्ट होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम इसका जो वर्ड ऑर्डर है वो भी सही होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट भी सही होना चाहिए ठीक है कंसिडरिंग ही हैड प्लेड फुटबॉल फॉर ओनली टू ईयर्स ही डज इट वेल इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि यदि हम इस चीज को कंसिडर करें यदि हम इस फैक्ट को कंसिडर करें कि उसने केवल दो साल तक ही फुटबॉल खेला है ठीक है यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि केवल उसने दो साल तक ही फुटबॉल खेला है लेकिन इस फैक्ट के बावजूद डिस्पाइट दिस फैक्ट ही डज इट वेल ठीक है और ही डज इट वेल किस टेंस में लिखा हुआ है ये ही डेल well लिखा हुआ है प्रजेंटेंस में तो चूंकि ये प्रेजेंटेंस में लिखा है इसलिए यहां पर आप पास टेंस का यूज नहीं कर सकते तो यहां पर आप बोलेंगे कंसिडरिंग ही हैज प्लेट कंसिडरिंग ही हैज प्लेट कंसिडरिंग मीन्स टेकिंग इन टू कंसिडरेशन दिस फैक्ट हम ये मान के चल रहे हैं हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि उसने फुटबॉल केवल दो साल खेला है उसके बावजूद भी वह इसको अच्छे तरीके से खेलता है तो यहां पर हम पास टेंस नहीं लगा सकते देखिए इसमें पास टेंस लगा हुआ है इसमें भी पास टेंस लगा हुआ है लेकिन इसमें वर्ड ऑर्डर जो है वो गलत है इस वाले पार्ट में केवल इसका सेकेंड पार्ट सही है कंसिडरिंग ही हैज प्लेड कंसीडरिंग ही हैज प्लेड तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ओनली सेकेंड इज करेक्ट ओनली सेकेंड इज करेक्ट इस तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन यू वुड फाइंड द हाइएस्ट माउंटेन ओनली सम माइल्स अवे फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट ऑन द वेस्टर्न हेमिसफियर इन डेथ वैली यहां पर ऐसा लग रहा है इस सेंटेंस में कि एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को सजेशन दे रहा है या उसको बता रहा है पॉसिबिलिटी के बारे में कि यू वुड फाइंड द हाइएस्ट माउंटेन आपको हाइएस्ट माउंटेन मिलेगा कहाँ पर ओनली सम माइल्स अवे कुछ कुछ दूरी पर कुछ माइल्स की दूरी पर मिलेगा फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट जो लोएस्ट पॉइंट है वेस्टर्न हेमस्फियर में डेथ वैली का वहां से कुछ दूरी पर आपको हाइस्ट माउंटेन मिलेगा तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट हेयर इज अकाइंड ऑफ पॉसिबिलिटी हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं इसमें तो पॉसिबिलिटी से रिलेटेड जो वर्ड है वह है कुड एंड कैन कैन इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को कुड इंडिकेट करता है वीक पॉसिबिलिटी को कैन एंड कुड बोथ कैन इंडिकेट पॉसिबिलिटी ठीक है कैन को हम नॉर्मली प्रेजेंटेंस में यूज करते हैं कुट को पास्ट में करते हैं लेकिन कुट को हम प्रजेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं कुट के थ्रू हम पोलाइट रिक्वेस्ट भी करते हैं जैसे कुडाई कम इन या कु डू इट कुट के थ्रू हम एक पोलाइट रिक्वेस्ट भी करते हैं प्रेजेंटेंस में ठीक है तो कैन और कुड दोनों यहाँ पर यूज हो सकते हैं वुड यहाँ पर यूज़ क्यों नहीं होगा वुड यहाँ पर इसलिए यूज़ नहीं होगा कि वुड को हम यूज़ करते हैं इमेजिनरी सिचुएशंस में जैसे आई वुड गो देयर इफ आई हैड टाइम मैं वहाँ पर जाता यदि मेरे पास समय होता तो वुड को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इमेजिनरी सिचुएशन में लेकिन ये जो सिचुएशन है दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ इमेजिनरी सिचुएशन यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों यहाँ पर सही हैं बोथ फर्स्ट एंड थर्ड तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा डी तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है और देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि इंग्लिश में उनका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता वो क्वेश्चन के आंसर तो टिक कर देते हैं बट दे कैन नॉट से कॉन्फिडेंटली दैट दे आर राइट तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझना होगा कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड जाता है किस वर्ड के साथ कौन सा प्रपोजिशन जाता है ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी और ये सारी चीजें आती हैं रीडिंग से तो रीडिंग तो आपको रेगुलर बेसिस पर करना ही होगा और रीडिंग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा द हिंदू और इकनोमिस्ट <coughs> सॉरी तो ये जो न्यूज़पेपर है हिंदू और द इकोनॉमिस्ट ये बेस्ट न्यूज़पेपर है इनका कंटेंट आप यूज करिए और इसको रेगुलर बेसिस पर पढ़िए लेकिन जब आपको किसी भी आर्टिकल को पढ़ना है तो यू हैव टू रीड विथ कॉम्प्रीहेंशन आपको समझते हुए पढ़ना है उसको ऐसे नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हैं आपको उसको समझते हुए पढ़ना है आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझना है आपको एक एक वर्ड को ध्यान से देखना है किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड नेचुरली जाता है तो इस चीज से आपको काफी हेल्प मिलेगी बैंकिंग एग्जाम्स में नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोबेबली डिड नॉट रियलाइज दैट हिज हॉस्टिलिटी टवर्ड सेनर मेडेना आर बींग ट्रांसफर टू जोनाथन एज एंजाइटी प्रोबेबली का मतलब होता है शायद डिड नॉट मतलब पास टेंस रियलाइज मतलब उसको एहसास नहीं हुआ शायद उसको एहसास नहीं हुआ किस चीज का के उसकी जो हॉस्टिलिटी थी जो जो इल फीलिंग थी जो दुश्मनी थी सेनर मेडेना की तरफ वो ट्रांसफर हो रही थी जोनाथन के लिए ठीक है तो हॉस्टिलिटी एक सिंगुलर नाउन है सिंगुलर uh, सब्जेक्ट है तो इसलिए यहां पर हम आर का प्रयोग नहीं कर सकते इसका प्रयोग हम यहां पर कर सकते हैं लेकिन चूंकि ये पास टेंस है तो इसलिए इसमें हम प्रेजेंट टेंस को यूज नहीं कर सकते इज बींग ट्रांसफर्ड गलत होगा वॉज बींग ट्रांसफर्ड सही है वॉज बींग ट्रांसफर्ड मतलब उसको ट्रांसफर्ड किया जा रहा था और हैड बीन ट्रांसफर्ड मतलब वो ट्रांसफर्ड हो चुकी थी तो यहाँ पर एक्चुअली ये दोनों ही सही हैं लेकिन सेकेंड और थर्ड का इसमें ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर हम सेकेंड को ही सही मानेंगे ठीक है हालांकि एक्चुअली सेंटेंस इसको इसको मोर मा, करेक्ट मान रहा है इसको करेक्ट नहीं मान रहा है लेकिन ये पात नीचे वाला जो पाथ है ये भी एक्सेप्टेबल है ठीक है क्योंकि इसका मतलब है वॉज बींग ट्रांसफर्ड मतलब वो ट्रांसफर्ड किया जा रहा था और इसका मतलब है ट्रांसफर्ड किया जा चुका था तो सेकेंड के अलावा थर्ड भी इसमें सही है लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर हम सेकेंड uh, ऑप्शन को ही सही मान के चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं बिकॉज आई हैड टू कैच द ट्रेन एंड सिंस वी वॉज शॉर्ट ऑन टाइम आई हैड फॉर टू पैक माई टूथ ब्रश फॉर आर वेकेशन चूँकि मेरे को ट्रेन पकड़नी थी और मेरे पास टाइम की कमी थी इसलिए मैं टूथब्रश को पैक uh, करना भूल गया यहाँ पर एक्चुअली एक एक एक्शन की बात हो रही है यहाँ पर एक कम्प्लीशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर हम कम्प्लीशन कोई 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 एक्शन के कम्प्लीट होने की बात हम नहीं कर रहे हैं इसलिए परफेक्ट टेंस यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा यहाँ पर केवल पास्ट टेंस ही सही होगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट 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 हैपनिंग ऑफ समथिंग इन द पास्ट आई फॉरगॉट मैं भूल गया था या मैं भूल गया तो फॉरगॉट कहना यहाँ पर ज़्यादा प्रॉपर रहेगा आई हैड फॉरगटन नहीं ट केवल थर्ड इसमें सही है ओनली थर्ड इज करेक्ट ठीक है डी इसमें आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं द इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन रिबिन बाय द एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज दैट हैव बीन देखिए हैव बीन के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम किस वर्ब का यूज करते हैं हम आईएनजी का यूज करते हैं तो यहां पर ग्रोइंग होना चाहिए ग्रोइंग कंसिस्टेंटली और चूंकि यहां पर देन लगा हुआ है तो यहां पर हम फास्ट नहीं बोलेंगे यहां पर हम बोलेंगे फास्टर फास्टर देन ठीक है तो इसलिए ग्रोइंग कंसिस्टेंटली फास्टर देन अदर सेक्टर्स सेकेंड इसमें आपका सही है तो आंसर क्या होगा इसमें आंसर होगा बी ओनली सेकेंड इज करेक्ट ठीक है अब इसको देखते हैं ग्रो कंसिस्ट ग्रो कंसिस्ट गलत है यहाँ पर होना चाहिए ग्रो कंसिस्टेंटली ठीक है यहाँ पर देखिए ग्रोइंग कंसिस्टेंटली लेकिन यहाँ पर देन से पहले फास्टर नहीं है तो ये इस तरीके से गलत हो गया और ये वाला पार्ट भी गलत हो गया केवल सेकेंड पार्ट इसमें सही है आपका तो इस तरीके से एनालाइज करते हुए आपको क्वेश्चंस को करना है चाहे आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको क्वेश्चंस को एनालाइज करना है और कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आपको ये जरूर एनालाइज करना है कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ क्वेश्चन अगर सही कर देते हैं आप तो आपको एनालाइज करना है कि ये आप आपने सही कैसे कर दिया क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे क्या आपके आपकी वोकेबलरी क्लियर थी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग थी तो ये सारी चीजें मतलब आपको स्टडी जो करना है वो एनालिटिकल वे में करना है तो यहां पर आपका आंसर होगा सेकंड। देखिए ये कुछ फिलर्स के क्वेश्चन हैं और बैंकिंग एग्जाम में सिंगल फिलर्स और डबल फिलर्स पूछे जाते हैं सिंपल रहते हैं इसमें केवल कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना है The Indian politics class is overwhelming male, but the worrying thing is that it remains. देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको की वर्ड्स को देखना होता है की वर्ड्स क्या है देखिए इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो की वर्ड है वो है वरिंग मतलब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इंडियन पॉलिटिकल क्लास जो है वो मेल मेल डोमिनेंट है उसमें मेल की संख्या ज्यादा है ओवरवेल्बिंग का मतलब क्या होता है ओवरवेलमिंग का मतलब या तो अमाउंट के लिए हम बोलते हैं कि ज्यादा है या स्ट्रॉग इमोशंस के लिए भी हम ओवरवेलमिंग बोलते हैं ठीक है मेल की संख्या ज्यादा है लेकिन चिंता की बात क्या है वॉट इज द वरिंग पॉइंट बट द वरिंग थिंग इज दैट इट रिमेन्स यानी यहां पर आपको एक नेगेटिव वर्ड चाहिए ठीक है यहां पर आपको एक नेगेटिव वर्ड चाहिए इट इज ब्लाइंड टू इट्स प्रिविलेज बट द वरिंग थिंग इज दैट इट रिमेन्स ब्लाइंड

दे रिमेन्स हार्डली का कोई सेंस नहीं बनेगा यहां पर अनहैपीली हम नहीं बोल सकते द वरिंग थिंग इज दैट इट रिमेन्स अनहैप्पी यहां पर अनहैप्पीली नहीं आ सकता यहां पर सही जो नेगेटिव वर्ड है वो है डिस्ट्रेसिंगली दैट इट रिमेन्स दैट इट रिमेन्स डिस्ट्रेसिंगली देखिए रिमेन्स क्या है एक वर्ब है वर्ब के बाद आपको क्या चाहिए एडवर्ब चाहिए तो इसलिए डिस्ट्रेसिंगली यहां पर एकदम प्रॉपर है डिस्ट्रेसिंगली मतलब इससे स्ट्रेस क्रिएट होता है इससे दुख होता है कि ये एक चिंता की विषय है चिंता का चिंता का एक पॉइंट है कि विमेन की संख्या कम है इंडियन पॉलिटिक्स में ठीक है डिस्ट्रेसिंगली ब्लाइंड टू इट्स प्रिविलेज बट द विंग थिंग इज दैट इट रिमेन्स डिस्ट्रेसिंगली ब्लाइंड ब्लाइंड तो है मेल मेल पॉलिटिक्स जो है वो ब्लाइंड तो है लेकिन किस तरीके से वो ब्लाइंड है वो है डिस्ट्रेसिंगली ब्लाइंड उस चीज से हमें दुख होता है उस चीज से हमें पीड़ा होती है उस चीज से हमें डिस्ट्रेस होता है और यहां पर भी आपको एक निगेटिव वर्ड चाहिए जो स्मॉल नंबर है वो किस तरीके से स्मॉल है वो वो फुली स्मॉल है वो फुली मतलब सोरो फुली उस चीज का हमें दुख है तो ये दोनों ही यहां पर आपको नेगेटिव वर्ड चाहिए और इस पर्टिकुलर पाथ में दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं ठीक है थीके? यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव वर्ड है यहां पर एक्चुअली अनहैप्पीली नेगेटिव वर्ड है ये पॉजिटिव है आपको दोनों नेगेटिव वर्ड चाहिए इमोशनली का कोई सेंस नहीं है यहां पर तो इस तरीके से एलिमिनेट करके आप आसानी से सही आंसर तक आप पहुंच सकते हैं ठीक है अब देखिए एक ये क्वेश्चन है इंडिया कैन नॉट हैव ए बैंकिंग सेक्टर विच इज देखिए इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करना है इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि इंडिया कैन नॉट हैव अ बैंकिंग सेक्टर Which is, मतलब इंडिया के पास एक ऐसा बैंकिंग सेक्टर नहीं हो सकता या नहीं होना चाहिए विच इज यानी यहां पर आपको एक नेगेटिव वर्ड चाहिए यहां पर आपको एक नेगेटिव वर्ड चाहिए एंड ए सेट ऑफ बैंकर्स हु यहां पर एक्चुअली एक ऐसा वर्ड चाहिए जिसमें जिसके थ्रू हम ये बता सकें कि बैंकर्स जो हैं ऐसे बैंकर्स हमें नहीं चाहिए जो किसी काम को करने के अनिच्छुक हों अनविलिंग हों आर अनविलिंग टू लैंड वेन द आप्टर कम्स मतलब ऐसे बैंकर्स हमें नहीं चाहिए ऐसे बैंकिंग ऑफिसर हमें नहीं चाहिए जो जब सुटेबल टाइम आता है उस समय वो लैंड ना करें ठीक है लैंड ना करें मतलब पैसे को धार ना दें सॉरी <coughs> 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 तो यहां पर देखिये एक्टिव तो पॉजिटिव वर्ड है तो नहीं आएगा स्ट्रांग पॉजिटिव वर्ड है नहीं आएगा ये दो एलिमिनेट कर दिए आपको चाहिए नेगेटिव वर्ड नेगेटिव वर्ड दो है एक है अनस्टेडी एक है हॉबल्ड ठीक है तो फर्स्ट में दोनों ही आ सकते हैं लेकिन सेकेंड के आधार पर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा आएगा अब यहां पर देखिए प्रपोजिशन टू टू के साथ और देखिए यहां पर एक प्रपोजिशन के आधार पर भी आप कर सकते हैं और इसके आधार पर भी कर सकते हैं हु आर हु आर के बाद क्या आएगा Who के बाद क्या आएगा हु के बाद वर्ब आती है ठीक है हु रीड्स लेकिन हु आर के बाद क्या आएगा कॉमन सेंस लगाइए आर के बाद क्या आना चाहिए क्या पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए हु आर के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए अब इसमें देखिए डिसलाइक क्या है डिसलाइक वर्ब है एडजेक्टिव नहीं है लोथ एक एडजेक्टिव है हु आर लोथ हु है लोथ का मतलब है अनविलिंग मतलब और अनविलिंग के बाद वैसे भी हम टू लगाते हैं तो लोथ यहां पर प्रॉपर वर्ड है और लोथ और डिसलाइक में से लोथ प्रॉपर वर्ड है तो इसलिए लोथ का जो करस्पोंडिंग पाथ है वो पहले वाले में बिल्कुल सही अपने आप ही हो जाएगा भले ही आपको उसका मीनिंग नहीं पता हो लेकिन यहाँ पर चूंकि डिसलाइक के साथ अनस्टडी है डिस्लाइक आएगा नहीं लोथ आ, आएगा इसलिए लोथ के साथ वाला जो वर्ड है वही वहाँ पर फिट बैठेगा भले ही आपको इसका मीनिंग नहीं पता है हॉवर्ल्ड का मतलब होता है डेवलपमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना इंडिया कैन नॉट हैव ए बैंकिंग सिस्टम विच इज़ होबल्टच इज़ होबल्ट मतलब जो रिस्ट्रिक्टेड है एंड ए सैट ऑफ बैंकर्स हुर लोथ टू लैंड वेन दफ्ट तो यहां पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है ये जरूरी नहीं है कुछ सेंटेंस को आप अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर पा रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि सारे वर्ड मीनिंग आपको पता हो ये एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है एग्जामिनर जानता है कि सारे वर्ड मीनिंग आपको नहीं आ सकते सारे वर्ड मीनिंग कोई नहीं जान सकता ठीक है एग्जामिनर चाहता है कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो इंग्लिश की ठीक है और यही वो टेस्ट करता है क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं इफ द एयरलाइंस फेल टू इन्फॉर्म दर पैसेंजर्स देखिए एयरलाइंस अपने पैसेंजर्स को कब इन्फॉर्म करती हैं जब उनका टिकट कंफर्म हो जाता है या जब उनका टिकट कैंसिल होता है कंफर्मेशन का कोई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है कन्फर्म कन्फर्म तो टिकट हो ही जाता है उसका तो एक नोटिफिकेशन आ जाता है लेकिन जब एयरलाइन कैंसिल होती है तब एयरलाइन फ्लाइट कैंसिल होती है तब एयरलाइन उसको इन्फॉर्म करती है पैसेंजर को तो एयरलाइन फेल टू इन्फॉर्म देयर पैसेंजर ऑफ द अब दा लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आपको नाउन चाहिए ठीक है यहाँ पर आपको नाउन चाहिए और यहाँ पर भी आर्टिकल लगा है तो यहां पर आपको क्या चाहिए यहां पर भी आपको नाउन चाहिए तो कॉमन सेंस कहता है कि कैंसिलेशन वर्ड जो है वो फर्स्ट में आएगा क्योंकि यहां पर एक वर्ड आया है यहां पर एक है इनटाइटल्ड इनटाइटल्ड मतलब आपको इस चीज को पाने का राइट right है आपको किस चीज को पाने का राइट right है आपको कंपनसेशन को पाने का राइट right है कंपनसेशन आपको कब मिलेगा जब फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी ठीक है देखिए मैं किस तरीके से लॉजिक लगा रहा हूं तो कैंसिलेशन और कंपनसेशन ये यहां पर आपका सही आंसर होगा ठीक है और ये दोनों ही नाउन है तो मैंने नाउन का भी लॉजिक बताया कि नाउन किस तरीके से यूज होता है क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं गोइंग फॉर ए रन में सीम ओवर वेलमिंग और जस्ट टू थिंक अबाउट बिफोर यू बिगिन बट इफ यू कैन देखिए यदि आप दौड़ने जाते हैं गोइंग फॉर ए रन इससे आपका इफेक्ट क्या होगा क्या गोइंग फॉर ए रन डिस्गस्टिंग होता है क्या उससे नफरत होती है नहीं बिल्कुल भी नहीं क्योंकि गोइंग फॉर ए रन एक प्लेजर एक्टिविटी है हां ये एग्जॉस्टिंग हो सकता है टायरिंग हो सकता है ये ल्यूक्रेटिव नहीं हो सकता ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है मनी वाइज प्रॉफिटेबल ल्यूक्रेटिव का मतलब है मनी वाइज प्रॉफिटेबल तो दौड़ना आपके लिए मनी वाइज प्रॉफिटेबल तो होगा नहीं और डिस्गस्टिंग भी नहीं होगा तो इसलिए दो आपने ये एलिमिनेट कर दिए केवल बी और सी में से एक एक आ, 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 आ सकता है अब बी और सी में से क्या आंसर होगा ये बी होगा या सी होगा वो आप पता लगा सकते हैं मैंने आपको बताया है कि आपको जो ब्लैंक होता है इसके इधर वाला वर्ड और इसके इधर वाला वर्ड को आपको देखना है अब आपके साथ कौन सा वर्ड जा सकता है आपके साथ जो वर्ड जाएगा वो जाएगा मस्टर क्योंकि मस्टर अप का मतलब होता है टू कलेक्ट समथिंग टू असेंबल समथिंग टू गैदर समथिंग टू मस्टर अप द एनर्जी मतलब टू गैदर एनर्जी ठीक है तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा यहां पर सही आंसर होगा आपका बी ठीक है तो इस तरीके से ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश लैंग्वेज की यहां पर देखते हैं एक्सरसाइजिंग एंड गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन विल हेल्प वर दीज एक्सेंस ओनली इंप्रूव स्लीप इंटेंसिटी देखिए एक्सरसाइजिंग को किस तरीके से करना चाहिए क्या उसको रेगुलरली करना चाहिए या इरेगुलरली करना चाहिए किस चीज़ से आपकी हेल्थ सही रहेगी एक्सरसाइज को यदि आप रेगुलरली करते हैं तो आपकी हेल्थ सही रहेगी तो रेगुलरली से रिलेटेड एक वर्ड आपको चाहिए यहाँ पर लेकिन यहाँ पर एक की वर्ड देख सकते हैं आप स्लीप इंटेंसिटी एक्सरसाइज से डायरेक्टली स्लीप इंटेंसिटी अफेक्ट नहीं होती एक्सरसाइज से कुछ हार्मोन्स डेवलप होते हैं आपकी बॉडी में उसकी वजह से स्लीप इंटेंसिटी आपकी डेवलप होती है तो एक्सरसाइज आपको इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है तो इनडायरेक्टली वर्ड यहाँ पर सही रहेगा और इनडायरेक्टली चूंकि सही है इसलिए कंसिस्टेंटली भी सही रहेगा क्योंकि कंसिस्टेंटली का मतलब होता है रेगुलरली कॉन्स्टेंट हम यूज़ करते हैं टाइम के रेफरेंस में जैसे कॉन्स्टेंट स्पीड कॉन्स्टेंट फ्लो कॉन्स्टेंट स्पीड का मतलब है कि कोई कोई ट्रेन है सौकी स्पीड में चल रही है तो वो सौ की स्पीड में ही चल रही है ठीक है उस सेंस में हम कॉन्स्टेंट वर्ड को यूज़ करते हैं कंसिस्टेंटली का मतलब होता है रेगुलरली ठीक है समथिंग दैट 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 फ्रिक्वेंटली अकर्स उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंट होता है स्पीड के सेंस में टाइम के सेंस में तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी ठीक है इस तरीके से इन क्वेश्चन को आपको करना होता है तो ये था प्रैक्टिस सेट वन और ये क्वेश्चंस बैंकिंग uh, के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं बैंक पी ओ में बैंक क्लर्क में पी ओ मीनस में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं तो इस वीडियो क्लास में इतना ही अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में थैंक यू